पिछले दो दशकों से कंप्यूटर और इंटरनेट हमारी हर रोज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। हर उम्र के व्यक्ति आज इस डिजिटल तकनीक पर निर्भर हो रहे हैं, फिर चाहे वो बच्चे हों जिन्हें गेम्स कंप्यूटर या इंटरनेट पर खेलनी हो, या युवा हों जिनको पढ़ाई के लिए इसका इस्तेमाल करना हो, या मनोरंजन के लिए चैटिंग करनी हो, या फिर बड़े जिनको अपनी जिंदगी और आसान और प्रोडक्टिव बनानी हो। लेकिन उतनी आसानी से ही आपराधिक गतिविधियों का कारण भी बन रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल पॉइंट में। मैं हूं भावना नैयर और आज हम बात करेंगे साइबर सुरक्षा और कानून की, और कैसे हम बच्चों को साइबर सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तीन अहम मेहमान मौजूद हैं, तीन एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो इस विषय पे अहम जानकारी हमको आज देने वाले हैं और आपकी सारे क्वेश्चंस का आंसर भी देने वाले हैं। हमारे साथ नीरज अरोड़ा हैं, ये साइबर कानून विशेषज्ञ हैं और फॉरेंसिक मामलों के भी एक्सपर्ट हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ एसडी मिश्रा हैं, उपायुक्त हैं ये दिल्ली पुलिस से। मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। और गुरप्रीत सिंह है, ये साइबर मामलों के अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। गुरप्रीत जी, आपका भी स्वागत है लीगल पॉइंट में। और दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आप साइबर सुरक्षा पर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या आप अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं कि वो जिस तरीके से ऑनलाइन पर हमेशा दिन भर बैठे रहते हैं, या आपको कोई सवाल पूछना है आज, तो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, ये नंबर है 011। अगर आप दिल्ली से बाहर के कॉलर हैं तो 011 हमारा एसटीडी कोड दिल्ली का लगाना ना भूलें, 2303-5420। और हमारा टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 1800-11-5314। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नीरज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि आज हमारा कंप्यूटर, जो मेरे घर पे जो पीसी पड़ा है, क्या वो सुरक्षित है? क्यों हमें साइबर कानून की जरूरत पड़ रही है? देखिए, जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कोई भी साइबर क्रिमिनल उसमें ऑनलाइन हैकिंग कर सकता है, ऑनलाइन उसका कंट्रोल कर सकता है। इफ इट इज नॉट प्रोटेक्टेड इन ए सफिशिएंट वे, एंटायर डाटा कैन बी हैक्ड। सो पीपल शुड अवेयर व्हाट प्रोटेक्शन, व्हाट स्टेप्स दे नीड टू टेक टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर। They should also very well aware about the legal provisions. Because their computer can be misused as a boat to do the crimes, which they themselves would not be aware. जी, मिश्र जी, कौन-कौन से अपराध हैं जो साइबर सुरक्षा से संबंधित हो सकते हैं और जिससे आज हमें डर लग रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा कंप्यूटर सेफ नहीं है? देखिए, जो आज सबसे बड़ा खतरा है वो ये खतरा है कि अगर आपका कंप्यूटर ऑनलाइन है जी, और उस पर करेक्ट किस्म के प्रोटेक्टिव सिस्टम्स नहीं लगे हुए हैं, तो आपका कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा सकता है किसी और क्राइम में। ये आज के ज़माने में सबसे बड़ा खतरा है। अब फॉर एग्जांपल, आपके कंप्यूटर में कुछ अनवांटेड डेटा स्टोर किया जा सकता है, जो कुछ लोग आपके कंप्यूटर को बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं, उस डेटा का रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी और कंप्यूटर पे एक अटैक लॉन्च करने के लिए। जी, अभी हाल में एक ऐसे केस हुआ था दिल्ली में, जहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर पे नंबर ऑफ कंप्यूटर से अटैक हुए थे, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ऑल्दो इस अटैक में कई सारे दिल्ली के बाहर के कंप्यूटर थे, कई सारे इंडिया के बाहर के कंप्यूटर थे। जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो एक ऐसा भी कंप्यूटर मिला जो दिल्ली का था। तो ये एक नया किस्म का क्राइम सामने आ रहा है। अब इसको आप कैसे, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहें तब आप इंटरनेट पे कनेक्ट करें। जी, ये सबसे जरूरी अहम बात। उसके बाद जब भी आप इंटरनेट पे जाते हैं तो माइंडलेसली क्लिक ना करें। माउस को लोग किसी भी वेबसाइट पे बगैर सोचे समझे, वो लेफ्ट फिंगर चलती रहती है, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह हो जाता है। उससे कई बार क्या होता है कि जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स हैं वो डाउनलोड हो जाते हैं। बिल्कुल, कई बार लोग गलती ये करते हैं कि जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा पैसा बचाने के लिए सॉफ्टवेयर ठीक, करेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं खरीदते, करेक्ट एंटीवायरस नहीं लगाते। बिल्कुल, अननोन व्यक्तियों का के फेसबुक रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड कर देते हैं, अननोन व्यक्तियों से जो मैसेजेस आती हैं उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखें तो काफी हद तक आप बच सकते हैं। गुरप्रीत जी, सूचना प्रौद्योगिकी जो हुआ है उससे जुड़े जो अपराध है, उसके लिए हमारे पास कौन सा कानून मौजूद है भारत में?
देखिए, जितने भी क्राइम्स हैं जो कि इंटरनेट से रिलेटेड हैं, वो बेसिकली दो एक्ट्स के अंडर आते हैं. वन इज आर ट्रेडिशनल एक्ट विच इज इंडियन पीनल कोड, अनदर इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. जी, जो बेसिक मेन प्रोविजन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, हम ज़्यादा इन्वोक करते हैं जब हमारा कोई भी यू नो क्राइम होता है इंटरनेट से जुड़ा हुआ. ये फर्स्ट हमारा जो एक्ट आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, दैट वाज इन ईयर 2000. जी, इसकी अमेंडमेंट्स आई उसके बाद 2008 में. बट टुडे द लॉज आर अगेन ऑब्सोलेट. हम ये फील करते हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं या फिर टेक्नोलॉजी है, वो आउटबीट करती है लॉज को. जी, क्योंकि वो दिन पर दिन बदल रही है. जी, और लेजिस्लेटर्स को आई थिंक वी नीड टू बी प्रोएक्टिव, और टेक्नोलॉजी का जवाब हमें लॉज के साथ टाइम टू टाइम जल्दी देना होगा. इतने डिले उसमें नहीं लाना होगा. जी नीरज, जी ऐड करना चाहूंगा, बिल्कुल, जो नया एक्ट आया है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, बिल्कुल, इट कंटेन लोट ऑफ प्रोविजंस व्हिच डील्स विद द चाइल्ड पोर्नोग्राफी एज वेल एज सेक्सुअल असॉल्ट ऑन द चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग द ऑनलाइन एज वेल एज द ऑफलाइन रिलेशनशिप्स रिलेटिंग टू द पोर्नोग्राफी. जी चलिए, पहले कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ प्रोग्राम में. ये सीएम जेटली हैं मुंबई से. सीएम जेटली साहब, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? दो सवाल है. एक तो है कि मैंने कंप्यूटर लगा के रखा है अपने काम धंधे के हिसाब से. जी, एक्सेस कर लेते जो बोलते ना फोन वीडियो या जी उसके ऊपर पहली बात. और दूसरा, फेसबुक में दूसरे आदमी नए नाम से अकाउंट खोल लेते हैं और उसका मिसयूज करते हैं, समझो कोई भी मतलब उसके अंदर, जैसे ट्विटर है उसके अंदर कुछ है ना, कमेंट पास करते हैं नए नाम से अकाउंट खोल के, तो उनके ऊपर यदि मैं पुलिस से कंप्लेंट करने जाता हूं तो पुलिस बोलती है हमारे पास ऑलरेडी इतने सीरियस ऑफेंसेस हैं, ये छोटी छोटी बातों के लिए आप हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, ऐसा जवाब मिलता है. और उसका जो मुझे नुकसान होता है उसके नुकसान कोई भरपाई तो हो नहीं सकती, जैसे मेरी रिस्पेक्ट है, इमेज है, वो खराब हो गई. धन्यवाद. जी गुरप्रीत जी, इनके दो सवाल हैं. पहला ये, जैसे कि जो इतना मुझे समझ में आया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो बिल्कुल प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी या कोई भी तरीके की पोर्नोग्राफी जो है वो बिल्कुल प्रतिबंधित है, लेकिन आप आज कंप्यूटर पे जाइए, आप वेबसाइट्स पे फ्री डाउनलोड अभी भी कर सकते हैं, पहली चीज़ ये. और उन्होंने बोला दूसरा कि फेसबुक या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अगर आपका अकाउंट खुला रह गया और किसी ने या तो आपको बुली किया या किसी और ने आपको बुली किया, तो साइबर बुलिंग के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो इनसे कैसे निपटारा किया जा सकता है? और उन्होंने बोला कि इन चीजों के लिए अगर वो पुलिस के पास जाते हैं मिश्रा जी, तो पुलिस कहती है कि इतने छोटी चीजों के लिए आप क्यों आ रहे हैं, क्या कंप्लेंट दर्ज करें हम इसमें आपकी? तो इसमें पहले मैं गुरप्रीत जी आपसे पूछना चाहूंगी, फिर मिश्रा जी आपसे पूछना चाहूंगी. देखिए, इसके अंदर स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, सेक्शन 66C, देयर इज अ यू नो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर द आइडेंटिटी थेफ्ट. जैसे उन्होंने कहा किसी और ने अकाउंट खोल लिया फेसबुक के अंदर, दे कैन वेरी वेल गो टू द पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट द केस, एंड केस वुड बी रजिस्टर्ड अंडर द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट. जी, अगर उनको कोई बुलिंग कर रहा है, देयर इज अ रीसेंट अमेंडमेंट इन द इंडियन पीनल कोड एंड द स्टॉकिंग हैज बीन मेड एन ऑफेंस, तो उसके अंदर जो है पुलिस जो केस रजिस्टर करेगी और उनको जो भी उनका केस होगा इन्वेस्टिगेट करके, देन देयर वुड बी अ यू नो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर. जी मिश्र जी, कैसे पुलिस रजिस्टर करेगी केस? यहां तो जेटली साहब बोल रहे हैं कि पुलिस रजिस्टर करती नहीं, वो तो इन चीजों को बहुत छोटा मानती है. नहीं, ऐसा नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी नागरिक को पुलिस के पास जाकर अपना कंप्लेंट दर्ज कराना उसका एक फंडामेंटल राइट है. जी, ही कैन डू दैट वेन एवर ही फील्स लाइक. और पुलिस का काम है कि उस पर रिस्पॉन्ड करना, उस पर एक्शन लेना. ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इनको. नॉर्मली दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे मैटर्स आते हैं जिसमें फेसबुक पे फेक प्रोफाइल बना ली, जीमेल पे एक गलत ईमेल आईडी बना ली, हम उसको कंप्लेंट को रिसीव करते हैं और प्रॉपर एक्शन लेते हैं उसमें. जी चलिए, एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अमित अरोड़ा पंजाब से. अमित जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी मैडम, मैं पंजाब से अमित अरोड़ा. जी अमित जी, सवाल पूछिए. मैडम, जैसे ना हम कंप्यूटर में बैठते हैं, इंटरनेट हम यूज करते हैं, तो कई बार क्या होता है, हम अपना कोई काम कर रहे होते हैं जी, और साइड पे अपने आप कोई ना कोई मतलब बोल्ड लगा लो या वल्गर टाइप या पोर्न चीज अपने आप आ जाती है जी, तो उस समय हम अपने आप को हेल्पलेस सा फील करते हैं जी. अच्छा, इसके ऊपर कोई रोक नहीं है, कोई प्रोहिबिशन नहीं है कि जैसे हम अपना नॉर्मली काम कर रहे हैं जी जी, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो
साइड पे कुछ ना कुछ ऐसा वल्गर आ जाएगा। जी अमित जी, हम आपका सवाल समझ चुके हैं, नीरज जी से इसका जवाब लेते हैं। नीरज जी, जैसे इन्होंने बताया अपना काम वो कर रहे हैं, लेकिन साइड में जो एडवर्टाइजमेंट्स चलती रहती है वो उनको परेशान कर रही है और वो उनको राह भटकने में मजबूर कर रही है। ये होता ऐसा है कि कुछ वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली पॉपअप विंडो जनरेट करती हैं, तो जब यूजर इंटरनेट पे काम कर रहा है तो वो पॉपअप विंडो ऑटोमेटिकली आ जाती है विच आर यूज फॉर प्रमोटिंग और एडवर्टाइजिंग द पोर्नोग्राफी। इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि ये या तो कोई अच्छा एंटीवायरस यूज करें या फिर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो ऑटोमेटिकली पोर्न मटेरियल को ब्लॉक कर देते हैं। सो दैट इज द ओनली अल्टरनेटिव विच ए यूजर कैन अवेल। जी अब नीरज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 2008 में जो अमेंडमेंट हुए एसआईटी एक्ट में या फिर जो ये एक्ट बना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्या आप आज की सिचुएशन को देखते हैं और इस कानून को संतुष्ट समझते हैं? देखिए, एज फॉर एज जो ऑर्डिनरी यूजर है जी, उसके लिए 2008 में अमेंड करके इन्होंने नए जो ऑफेंसेस है वो ऐड कर दिए थे, और उसके बाद जो अभी नया एक्ट आया है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो बचे हुए अपराध थे वो इस एक्ट में कवर हुए। तो एज फॉर एज ऑल द थ्री एक्ट्स इंक्लूडिंग द अमेंडमेंट इन आईपीसी कपल्ड विद आईटी एक्ट एंड दिस पीओसीएसओ एक्ट, देयर आर सफिशिएंट प्रोविजंस टू डील विद द ऑफेंसेस व्हिच ए पर्टिकुलर ऑर्डिनरी मैंस वांट। जो आम आदमी की जरूरत है वो इन तीनों एक्ट से पूरी हो जाती है, और अगर पुलिस मुकदमा नहीं भी दर्ज करती तो वो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगा सकते हैं अंडर सेक्शन 156(3), कोर्ट विल इमीडिएटली ऑर्डर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर। बिल्कुल मिश्रा जी, देखिए अब इंटरनेट जो है वो आपको सारी सुविधाएं प्राप्त करा रहा है, आपको ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी गूगल पे सर्च करना चाहें तो सेकंड्स में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर साइबर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं जब इतना सुविधाएं तो आपको साइबर वर्ल्ड दे रहा है? देखिए, अपराध बढ़ने का कारण कई हैं। एक तो इंटरनेट के माध्यम से लोग आपस में इंटरकनेक्ट हो गए हैं, इंटरकनेक्शन की वजह से लोगों के इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, उनके जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो नेट पे रहती है, तो क्रिमिनल्स को भी इंटरनेट का माध्यम यूज़ करने में एक सहूलियत है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जो इंटरनेट का बेनिफिट है वही उसका नेगेटिव पॉइंट भी है। बेनिफिट यह है कि उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, लोग उसको एक्सेस करते हैं। नेगेटिव पॉइंट यह है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने की वजह से लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि इंटरनेट पे अपनी कौन सी इन्फॉर्मेशन रखना चाहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि फेसबुक प्रोफाइल पे आदमी पता नहीं क्या क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी रख देता है। तो आपको पहले जज करना पड़ेगा कि फेसबुक पे अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखेंगे तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, रविशंकर पांडे हैं बिहार से। रवि जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी रवि जी, सवाल पूछे। जी हम रविशंकर पांडे बोल रहे हैं और हम एडवोकेट सिविल कोर्ट सुपौल में प्रैक्टिशनर हैं। जी हेलो, मैं जानना चाहता हूं हाल में एक ही एसआईटी से जुड़ा केस आया इस तरह से कि एक लड़का लड़की गया और दूसरा कोई वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल, अंत में लड़की को सुसाइड करना पड़ा। जी कहने का मतलब है कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। कोई भी कहीं घूमने जा रहे हैं और इतना अश्लील वीडियो बनाया कि जो बात छुप सकती थी वो पूरे मार्केट में फैल गई। जी और वो केस ट्रायल पर चल रहा है लेकिन अभी तक उसका कोई नहीं, जो कि साइबर केस जुड़ा हुआ था। और लीगल पॉइंट ये है आपको क्या कि वो अभी तक विक्टिम पकड़ा ही नहीं गया। जहाँ तक बात कहा गया कि एक्यूज स्वतंत्र रूप से घूम रहा है और जो परिवार वाले शादीशुदा लड़की थी, हस्बैंड ने छोड़ दिया और उसने आत्महत्या कर ली। जी, परिवार वाले भी लड़की के फादर जो है अपने बदनामी के चलते सारे केस को ना मिले जाके रिपोर्ट करें। अब तो यही जानना चाह रहे हैं कि इस तरह का क्राइम बढ़ता जाएगा, कोई अपना प्राइवेसी भंग कर दिए। जी रवि जी, हम आपका सवाल समझ चुके हैं, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सवाल का जवाब हम जरूर अपने एक्सपर्ट के साथ लेंगे कि कैसे साइबर अपराधी बच के